क्योंकि खाने का मसला मैं बार बार इसलिए लाता हूं कि हमारी सारी, यानी अगर मैं औसत कौम की अपनी बात करूं मुसलमानों की, तो उनका सारा फोकस खाने के ऊपर है, और उसका सबसे बड़ा अलमिया, सबसे बड़ा अलमिया उर्दू बाजार है, क्योंकि मैंने बचपन में वो उर्दू बाजार देखा है जहां सिर्फ किताबों की दुकानें होती थी, गर्मियों में बाहर छिड़का होता था, बेंचें पड़ती थी, और वहां हमारे वो अकाबरीन आके बैठा करते थे जिनके बीच में बैठ के पता नहीं क्या क्या सीखने का मौका मिलता था। कहीं मुझ जैसों को बैठने की इजाजत होती थी, कहीं भगा दिया जाता था, ये भी मैं आपको बताऊं। आज वहां पे सिर्फ चिकन फ्राई और फिश फ्राई और टिक्का फ्राई। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक ट्रांजिशन है जो इस कौम में हुआ है कि ये सिर्फ पढ़ने, यानी दिमाग की गजा से पेट की गजा की तरफ आ गई है, यानी इंसानी जिंदगी से अब हैवानी जिंदगी गुजार रही है, और हम सब खामोश हैं, क्योंकि पेट का मामला हैवानी जिंदगी होता है, जहन का मामला इंसानी जिंदगी होता है, उस इर्तका की बात होती है जिसके नतीजे में ये इंटेलिजेंस हमें मिली है, जिसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, और जिसको फरोजा करने के लिए, जिसको भड़काने के लिए किताब की बड़ी अहमियत है। वो किताबों के बाजार अब हमारे यहाँ चिकन के बाजार हैं, मछली के बाजार हैं। तो ये एक कहानी भी है हमारी मुख्तसर के साथ, यानी किसी को मुसलमानों की हिस्ट्री पढ़नी हो या समझनी हो तो उर्दू बाजार जाके देख ले। तो माफ कीजिएगा इस तल्ख कलामी के लिए, लेकिन अब यहां से एक दूसरी बात मैं शुरू करना चाहता हूं कि मामला मुझे सिर्फ साइंस के मजामीन पढ़ाने का दरपेश नहीं था। मेरे सामने एक सबसे बड़ा सवाल यह था कि वो कौम जिसने जबरदस्त कंट्रीब्यूशन साइंटिफिक फील्ड्स में दिया है, जिसको यूरोप डार्क एजेस कहता है, वो हमारे यहां का गोल्डन एज पीरियड था, जिसको यूरोपियन हिस्टोरियंस लिखते हैं कि मुस्लिम साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन हर फील्ड में, चाहे वो मेडिसिन हो, एस्ट्रोनॉमी हो, फिलॉसफी हो, कोई भी चीज हो, उसमें बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन था। तो क्या बात है, और ये वो पीरियड था जिस वक्त इस्लाम के अंदर वो अरकान का जोर नहीं हुआ था जो आज है, क्योंकि आज का इस्लाम जो है वो अरकान बेस्ड है, सिर्फ कुछ रिचुअल्स हैं। आप दीनदार किसको कहते हैं, जिसको मस्जिद से आता जाता देख लें, जिसको नमाज पढ़ता देख लें, जिसके रोजे बड़ी पाबंदी से दिखें आपके नज़दीक, और उसने यकीनन एक शक्ल इख्तियार कर रखी हो, तो आप उसको दीनदारी का मोहर दे देते हैं, भाई बहुत दीनदार आदमी है। लेकिन क्या दीन इन्हीं के ऊपर रुका हुआ? कौमी स्कूल गालिबन 29 साल हो चुके, बिल्डिंग टूट गई थी, तो टेंटों में वो सर्दी जिसमें हम लिपटे हुए घर में बैठे होते हैं, हमारे बच्चे प्राइमरी के भी ईदगाह के मैदान में, और गालिबन अब वो ईदगाह के मैदान से भी हट गया, टेंटों में स्कूल चला रहे हैं। उस दिल्ली शहर में जिसमें करोड़ों रुपए की शादी होती है, खुद उसके पड़ोस में बाड़ा हिंदोराव में और कसापुरे में भी। और बात वहीं तक नहीं है, पहले दिल्ली में जब मेरा बचपन था तो इन फजूलियात के लिए बाड़ा हिंदोरा और कसापुरा मशहूर था, लेकिन आज दिल्ली के हर मुस्लिम इलाके की शादी करोड़ों में नहीं तो लाखों में होती है, लेकिन कोई इस तरफ नहीं देखता कि एक स्कूल टेंटों में चल रहा है। उसके बरखिलाफ मैं उधर देखता हूँ कुछ रियासतों में, जैसे अभी मैं पिछले दिनों भिवंडी और बम्बई के दौरे पे था, भिवंडी के स्कूल उर्दू मीडियम 4-4, 5-5 हज़ार के एनरोलमेंट हैं। जो काम महाराष्ट्र ने उर्दू मीडियम के लिए किया है और उर्दू जबान के लिए किया है, मैं समझता हूँ उसका नज़ीर कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि इतने उर्दू मीडियम स्कूल उन्होंने मजबूत डेवलप किए हैं, और उनकी मजबूती का सबूत यह है कि महाराष्ट्र में 4 मीडियम चलते हैं CBSE में, जब 12वीं का इम्तहान और 10वीं का होता है, तो इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, कमोबेश गालिबन हर साल 10th और 12th में उर्दू मीडियम के बच्चे टॉप करते हैं, यानी वो इंग्लिश मीडियम को बीट कर रहे हैं, मराठी मीडियम को बीट कर रहे हैं, उसी महाराष्ट्र में जिसको हम एक खास जमात का गढ़ समझते हैं, और समझते हैं कि तो एंटी मुस्लिम मूवमेंट होगा। आप मेहनत कर रहे हैं तो कोई रोक नहीं सकता आपको, महाराष्ट्र के रिजल्ट सबूत है, नागपुर के रिजल्ट सबूत है इस बात का। कभी अच्छा वजह क्या है, देखिए इतनी डेडिकेटेड टीम है उन टीचर्स की, 90% औरतें हैं, लेडी टीचर्स। आज से 10 साल पहले भिवंडी के दौरे में मैंने 8वीं जमात के बच्चों को एनवायरमेंटल इश्यूज पे उर्दू में कोलाज बनाते देखा था। उस वक्त 10th और 12th के बच्चे हमारे कोलाज नहीं जानते थे। तो ये टीचर्स का इनोवेशन है, मेहनत है उन बच्चों के साथ, जब भी वो इतना अच्छे एग्जाम्स में कर पाते हैं। तो ये इस रियासत की बात अगर हम अलग छोड़ दें, तो इसकी मिसाल मैंने इसलिए दी थी कि अंजुमन इस्लाम में मैं गया, वहां उनके जिम्मेदारों से मुलाकात हुई, तो पनवेल में उनका नया कैंपस डेवलप हुआ है। एक मुखैर शख्स ने 70 करोड़ से ऊपर रकम देके पूरा कैंपस बनवाया है। कितना फासला है बंबई और दिल्ली में, क्या दिल्ली वालों के पास पैसे नहीं है? पैसे हैं,
दिल नहीं है और तरजीहात नहीं, हमारी प्रायोरिटीज बिल्कुल अलग है। हम सिर्फ अपनी शोबाजी, मेरा मकान, मेरा ड्राइंग रूम, मेरा खाना, मेरे दस्तरखान, मेरे फंक्शंस कैसे हों, इस चीज ने हमें डुबो रखा है। यहाँ वो लोग बैठे हैं जो इस आवाज को ले जा सकते हैं आगे। देखिए इस पर बाकायदा काम करने की जरूरत है, और यहां तक काम करने की जरूरत है कि उन शादियों के, देखिए रिश्ते ही मत कीजिए ऐसे घरों में, शादी हो रही है तो शादी में अटेंड मत कीजिए। जहां पे अभी एक पिछले दिनों शादी हुई, एक आम बात हो गई है कि गाड़ियां टेप लगा के रिबन बांध के रखी जाती हैं जहेज में देने के लिए। अभी पिछले दिनों एक शादी हुई जिसमें अल्लाह का शुक्र है मैं शरीक नहीं रहा, जो शरीक है वो हंस रहे हैं बैठे हुए क्योंकि उन्हें याद आ रहा है, दो गाड़ियां और एक स्कूटर रखा हुआ था जहेज में देने के लिए। तो ये चीजें क्या तरगीबात है। आपके खानदान में जो गरीब लोग हैं वो क्या सोचेंगे, वो भी कर्ज लेंगे क्योंकि आपने एक सुन्नत जारी कर दी, आपने एक तरीका जारी कर दिया कि संदा से शादी, वो सादगी कहां से रही शादी में, वो रिश्तों में वो बुनियादें कहां से रही। तो ये वो सब चीजें हैं बहरहाल जिसकी वजह से हमारी तरजीहात, और जब तक हम नहीं बदलेंगे हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम। आज देखिए उस वक्त कौमी स्कूल डूबने लगा था, हमने कुछ नहीं बोले, आज मजहरुल इस्लाम खत्म के करीब है, बाकी स्कूल सब लाइन से अव्वल तो सिर्फ पांच, कुछ गिनती है इतनी बड़े शहर में जो कहां से कहां फैल गया, वो पांच स्कूल वो भी बेचारे किस कस्मा पुरसी की हालत में। हम सब अपने खुश क्योंकि मेरा बच्चा तो कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, मुझे क्या मतलब उन स्कूलों से। तो जरा गौर कर लीजिएगा। असल बात यह है कि मैं क्यों नहीं सोचता, क्योंकि मुझे बता दिया गया है कि पांच वक्त की नमाज तुम पाबंदी से पढ़ रहे हो, तुम 30 रोजे पूरे रख रहे हो, जन्नत तुम्हारी पक्की। ये 5/30 का नुस्खा जो है, जिसको मुझे कहने दें जसारत की माफी चाहता हूं कि 3.5 आयतों का इस्लाम है। कुरान की बकिया आयतें जिसमें पूरे अहकाम हैं सोशल डेवलपमेंट के, पब्लिक सर्विस के, लोगों की खिदमत के, ईताज़िल क़ुरबा के, वो कहां गए। लोग तुमसे सवाल करते क्या खर्च करो, कुलिल अफ, कह दो जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा को खर्च कर दो, ये कंसेप्ट कहां गई। ईताज़िल क़ुरबा, जरूरतमंद को देने की बात, ये सारी चीजें, क्योंकि बुनियादी वजह ये पड़ती है आके कि हम लोग कुरान से दूर हो चुके।